नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ शशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। स्मार्ट सिटी ने रुलाया, गड्ढों ने डराया। देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश एक बार फिर आफत की बारिश बन गई है। दरअसल 25 सितंबर से मौसम में आए परिवर्तन के बाद प्रदेश भर में भारी बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश भर की 70 से अधिक सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच चारधाम यात्रा मार्ग भी बाधित हो गई है। बताया जा रहा है कि नंदप्रयाग और चटवा पीपल के पास मलबा जमा होने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया, जिससे आवागमन बाधित है और जगह जगह लोग फंसे हुए। वहीं मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी से लेकर तमाम मंत्री और विधायक दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और प्रदेश की जनता की सरकार को फिक्र नहीं है। इस बीच कांग्रेसियों ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी सवाल खड़े करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के निर्देशों को हवा हवाई बता रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव है या फिर प्रदेश आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनती जा रही है। दरअसल भारी बारिश से प्रदेश में 70 से ज्यादा मार्ग बाधित चल रहे हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारी बारिश की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच प्रदेश के कई पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले कई सालों से सड़क निर्माण न होने से परेशान लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जेसीबी की मदद से बाधित सड़कों को खोला जा रहा है। 4-5 किलोमीटर दूर आके स्कूल में जाना पड़ता है, कभी हम देर हो जाते हैं, कभी बारिश के कारण हमें भालू सांप ऐसे जानवरों का डर भी रहता है। और हमें राशन खाने के लिए सामान बोझ ऐसे लेके जाना पड़ता है कंधे पे। और सड़क ना होने के कारण हमारे जितनी कोई लोग जैसे बीमार होते हैं तो देर में पहुंचने के कारण कोई की मृत्यु हो जाती है। साहब फौज में 24 साल नौकरी किए और मैं 24 साल नौकरी करने के बाद हमने यहाँ पर रोड की मांग भी की, सरकार ने हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहाँ पर और भी भाइयाँ हैं जो अक्स आर्मी वाले हैं, यहाँ पर प्रजन्य हैं, पर लेकिन हमारे यहाँ आर्मी वाले काफ़ी आदमी हैं, पर लेकिन सरकार हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनको ऊपर नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और हमें सरकार से निवेदन है कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और उसको खोल दिया गया है। और हमारे मार्गों में काफ़ी जेसीबी लगी हुई है जगह जगह, जहाँ भी एवलांच आएगा जेसीबी उसको रास्ता मार्ग को खोलेंगी और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है हमारा। वहीं एक ओर जहां भारी बारिश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों ने दून की स्थिति को पहले से बेकार कर दिया है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को हवा हवाई बता रहा है। जिला अधिकारी को हमने आज ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहली तो हमारी ये मांग है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो 5 साल पहले शुरू हुआ था और देहरादून की जनता ने 5 साल इंतजार किया कि स्मार्ट सिटी बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, सड़कें स्मार्ट बनेंगी, ट्रैफिक स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट बनेंगे, अस्पताल स्मार्ट बनेंगे, कॉलेज स्मार्ट बनेंगे, देहरादून में सफाई की व्यवस्था स्मार्ट हो जाएगी, देहरादून में सब कुछ इतना स्मार्ट होगा कि लोग कहेंगे कि भाई स्मार्ट सिटी के स्मार्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन 5 साल बाद जब जिलाधिकारी जो CEO थी इसकी, उन्होंने पूरा होने की घोषणा करी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अब इसमें आगे कोई काम नहीं होगा,
तो जब पूरे शहर के लोगों ने सुना तो दंग रह गए, क्योंकि स्मार्ट की जगह जिस हाल में देहरादून पहले था उससे भी ज्यादा बदतर स्थितियां बन गई। पूरा देहरादून इस बारिश में जल भराव से त्रस्त रहा। पूरे देहरादून की सड़कें गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है, मेरा अभियान चल रहा है उसके बारे में भी मैंने लिखा है। पूरे देहरादून के अंदर सफाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। पूरे देहरादून के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का यह हाल है कि पूरा शहर जाम से हलकान है। ट्रैफिक लाइट 60% चलती नहीं है। अस्पताल का हाल यह कि नवजात बच्चे का शव दून अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर शौचालय में मिल रहा है। विपक्ष के पास जनता ने काम करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं दिया और इसीलिए वो अपने जनाधार और अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के जो है झूठे बयान दे करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अगर स्मार्ट सिटी के अंदर काम ना हुआ होता तो जो जाम लगा रहता था राजपुर रोड पे, चकरोता रोड पे, बिंदाल पे, आज वो जाम आपको कहीं नजर आता है तो ये स्मार्ट सिटी का ही नतीजा है। अगर अच्छे काम हुए तभी ये इस तरीके के, लेकिन बौखलाहट है कांग्रेस के अंदर, उसको कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहा है पर मुझे लगता है कि झूठ का जो सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति को रूप देने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो उनको शायद ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि साथ कांग्रेस को सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही क्या, उत्तराखंड क्रांति दल भी इस बात को मुखरता से उठा रहा है कि भी गड्ढे है, मौसम काफी कुछ सही हो गया है और अभी तक गड्ढे नहीं भरे जा रहे। मैं शहर के बीचों बीच हर जगह जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे, छोटे भी नहीं है, और इसमें कभी भी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा लेकिन 3 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ और अब वो डेट और बढ़ा दी और इसके बाद उसके बाद फिर और डेट बढ़ा दी। भाई सभी जो विभाग हैं, चाहे PWD है, नगर निगम है, MDDA है, तमाम जो भी एजेंसीज है काम करने की, उनको तत्काल प्रभाव से लगाया जाना चाहिए और एक गड्ढा जो मुक्त वो सड़कें होनी वो हो जानी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है। इससे पानी कहाँ पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कहाँ गड्ढे में इतना पानी हो जा रहा है कि आदमी गिर जा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन प्रशासन से निवेदन है आपके माध्यम से कि भाई इन गड्ढों को तत्काल। कुल मिलाकर भारी बारिश के बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव में मस्त है और प्रदेश की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्मार्ट सिटी देहरादून के कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। साथ ही करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद मौजूदा परिस्थिति को पहले से ज्यादा खराब बताकर सरकार के स्मार्ट शहर के दावों को हवा हवाई बताया। अब देखना होगा कि राज्य में सड़क के मुद्दे पर गरमाई सियासत कब शांत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे। आज जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, जो कि विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों में अभी भी गड्ढे हैं, जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो स्मार्ट सिटी की तो नहीं लग रही। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। RP रतूड़ी साहब, प्रदेश प्रवक्ता BJP से। मंजू त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। PC थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता UKA जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं RP रतूड़ी साहब आपसे ही। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो वादे किए गए थे, जो बातें की गई थी, जो दावे किए गए थे कि हम स्मार्ट सिटी बन जाएंगे और जो प्रदेश है वो बहुत उत्तम लगने लगेगा, लेकिन आज जो धरातल से तस्वीरें आ रही हैं, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गड्ढे हो रखे हैं, पानी जगह जगह पर जमा हो रहा है, और हम जानते हैं कि ये डेंगू मलेरिया का भी सीजन है और पिछली बार डेंगू से कितनी मौतें उत्तराखंड में हुई थी, कागज़ों पर अलग हुई थी और धरातल पर अलग हुई थी, वो हम सभी जानते हैं। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं इन पर सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रूप से जनता के साथ खड़ी रहती है और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो सजग प्रहरी के रूप में, चाहे उत्तराखंड में आपदा का मामला हो, चाहे स्मार्ट सिटी का मामला हो, अब राजनीतिक चश्मे से अगर कोई देखता हो, क्योंकि
जब विरोधी दलों की सरकार थी तब तो शायद चांदी की सड़कें थी, आज गड्ढे दिख रहे हैं। इनके कार्यकाल में तो कारें कहीं पर रुकती नहीं थी। अरे सवाल यह है, बरसात में गड्ढे अगर कहीं हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं कि हम इनको 15 दिन में जो बरसात से, क्योंकि ये आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये बरसात का सीजन है, इसमें न कोई पार्टी है न पॉलिटिक्स है, ये कुदरत की व्यवस्था है, कुदरत के द्वारा दी गई दिक्कतें हैं, इसको हम ठीक करेंगे। और जिनको देहरादून अगर साफ सुथरा अच्छी सड़कें नहीं दिख रही होगी तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि अगर आप पहले राजपुर रोड पे चलते थे, पहले रायपुर रोड पे चलते थे, पहले हरिद्वार रोड पे चलते थे, सहारनपुर रोड पे चलते थे, आज चल के आप चक्रवर्ता रोड पे चलते हैं, आज आप देखें कि देहरादून में निश्चित तौर पर और संपूर्ण परिपक्वता, कभी ये कही नहीं सकते कि आज में संतुष्ट हो जाए, चाहे कुछ भी कर ले, विरोधी का काम है कि उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, इनकी ड्यूटी भी है और इनका फर्ज भी है। ये अगर जितना ये हमसे प्रश्न करते रहेंगे, हम और सजग होकर के और काम करेंगे, ये इनको मुबारक हो, पर राजनीतिक चश्मे से हर समय नहीं देखना चाहिए। या तो ये कंपेरेटिव करें कि हमारे कार्यकाल में ये सड़क थी और इनके कार्यकाल में ये सड़क है। आज हॉस्पिटल आप देखेंगे, निश्चित तौर पर हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून में, क्यों कहूँ मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो बेहतर हम शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, हम पीडब्ल्यूडी हो, पेयजल हो, इसको और बेहतर करने का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित है और जनता के प्रति जवाब देंगे। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी, रतूड़ी साहब कह रहे हैं आपके जमाने में क्या चांदी की सड़कें थी, क्यों विरोध कर रही हैं आप? याशी जी, ये तो मुझे लग रहा है कि चांदी की सड़कें या सोने की सड़कें न होती हैं न होती, लेकिन ऐसी सड़कें नहीं थी जैसी इस समय है। स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस तरह से छोटी सी बारिश में, कल 2 घंटे की बारिश में जलभराव की स्थिति ये थी कि अगर आप देखें, नॉर्मल रोड पे नहीं चल सकते हो, जहां पर कभी जलभराव नहीं होता था वहां भी पूरे अखबार आज देहरा ये जो है कल की जो पोल खोल दी, छोटी सी छोटी 2 घंटे में जहां देखो जलभराव जलभराव जलभराव, आना जाना मुश्किल, जो है सड़कें जो है नदियों में तब्दील हो गई है। देहरादून में बारिश के बीच बह गए सारे सरकारी सिस्टम के दावे फेल हो गए। इस वर्ष स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, अरे भाई हमने भी सोचा था कि स्मार्ट सिटी, जनता ने इंतजार किया 5 वर्षों तक, भाई स्मार्ट सिटी होगी, स्मार्ट हर चीज स्मार्ट होगा, गांव स्मार्ट होगा, स्कूल स्मार्ट होंगे, कॉलेज स्मार्ट होंगे, और जो सड़क स्मार्ट होंगी, सारा कुछ स्मार्ट होगा। लेकिन क्या हुआ, आज स्थिति ये है कि हमारा ही पैसा जो हम आप टैक्स देते हैं, उसी पैसे का दुरुपयोग करके जो है इतना पैसा स्मार्ट सिटी के नाम से 1600 करोड़ रुपए वसूला गया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि नदियां जो है सड़क बन गई और सड़क जो है नदियां बन गई। समझ रहे हैं, समझिए, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सब लोग दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। ऐसी स्थिति इन्होंने लाकर कर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या है भाई, स्मार्ट कारनामे हो रहे हैं, राष्ट्रपति के मौजूद होते हुए डकैती पड़ रही है, हरिद्वार में डकैती पड़ी रही, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से फेल है, हर सिस्टम इनका फेल नजर आ रहा है। देहरादून में आप देखिए, आए दिन जलभराव से सरकारी सिस्टम सबक नहीं ले रहा है, बुधवार को सरकारी सिस्टम के दावे बारिश में बह गए। दूसरी बात, दून में रेलवे स्टेशन के बाद मद्रासी कॉलोनी में 5 साल की बच्ची बह गई, कितनी बारिश कल हुई थी, जो इस तरह का हादसा हुआ। दून अस्पताल के सामने देखिए गड्ढा, गड्ढे में महिला किस तरह से फिसल के गिर गई, इस तरह से
दून में बुधवार को तेज बारिश के ये सब अखबारों की सुर्खियां हैं। दरअसल लाख चौक का हालत देखिए, कल कितनी बारिश ऐसी हो गई थी। दून में बुधवार को बारिश के कारण बुद्धा चौक की स्थिति देखिए, दर्शनलाल चौक की स्थिति देखिए, गांधी रोड की स्थिति देखिए। आखिर में स्मार्ट सिटी में यही हमें मिला है, इतने बड़े बड़े गड्ढे। आप रात को चलिए तो समझ नहीं आता है कि आपकी गाड़ी कहाँ। आप टू व्हीलर पे चल के देखिए आए दिन इस तरह से एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो है रोड जो है सही नहीं है। काम तो कर सकते आनंद फानंद में, जल्दबाजी में ये लोग नियम निकाल देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा और इनके जो है प्रवक्ता नेता सब लोग बड़ी बड़ी डींगे मार रहे, लेकिन जब आप धरातल पाते आते हैं तो सुनने पाते हैं। इन्वेस्टर सबमिट, इन्वेस्टर सबमिट, 3 दिन स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए, इन्वेस्टर सबमिट होगा, उसका परिणाम आप देख लीजिए। मोदी जी क्या कह के गए कि वेडिंग डेस्टिनेशन बना दीजिए, जो पर्यावरण बचा है उसको भी ध्वस्त कर दीजिए। और क्या हुआ आपने देखा, डंडी खंडी के माध्यम से किस तरह से बीमार महिला को किस तरह से कंधे पर पहाड़ों में, अभी इससे पहले भी मैं डिबेट में बैठी थी आप कुछ दिन पहले आप ही लोगों के चैनल पे, उसमें भी मैंने इस विषय पे कहा खाली यात्रा कराइए, कितने लोग मर रहे हैं कागज में, कितने मर गए हैं, मर रहे हैं और ये कितना डिक्लेयर हो रहा है। तो इस तरह की भैया नहीं चाहिए हमें स्मार्ट सिटी, ऐसे स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए थे कि जनता जो है त्रस्त हो जाए। चलिए ठीक है, वापस आएंगे उसके बाद थपलियाल जी का रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बता दें कि स्मार्ट सिटी की जिस तरीके से वाहवाही लूटी गई थी, हालांकि धरातल पर वो काम नजर नहीं आ रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का जिस तरीके से दावा किया जा रहा था और धरातल पर जो सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ नेता यूके सब पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहता है, स्मार्ट सिटी के दावों में कितना दम है? जब स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुई थी देहरादून तो सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि चंद शहर भाग्यशाली शहर थे उस समय, ये माना गया कि जिनका नंबर स्मार्ट सिटी के लिए आया उसमें हमारा देहरादून भी था। लेकिन अनुभवहीन लीडरशिप जो है इन बौने नेताओं के बूते के बाहर रहा विकास की रूपरेखा तय करना। आज जो स्थिति है देहरादून की वो उस स्थिति में खाली रोड का व्याख्यान यहाँ पे हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मोहल्लों से, कॉलोनियों से, बस्तियों से और तमाम जो बिजली व्यवस्था है, संचार व्यवस्था है और जो सीवर लाइन की व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद, क्योंकि ये तमाम चीज़ें स्मार्ट सिटी की मुख्य वर्क्स होते हैं। हमने देखा कि अभी हम यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल ये कह रहे थे कि विपक्ष को गाली देना तो एक ऐसा फैशन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी में कि जिसको बड़ा दुख होता है, लेकिन उन्होंने ये बताना चाहिए था कि क्या सीवर लाइन का जो प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट, वो वर्किंग है। अभी कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा कि हमारा पूरा सीवर लाइन जो लाइनें हैं वो चौक हो जाएंगी, क्योंकि जो पंपिंग सिस्टम है वो पूरी तौर से काम नहीं कर रहा है। बहुत समस्या है, बसंत विहार जैसे इलाकों में समस्या है। जो अंडरग्राउंड होनी थी बिजली केवल राजपुर रोड में तुमने मुख्य मार्ग में कर दिया, लेकिन जो स्थिति कॉलोनियों में जानी थी जो बड़ी, आज यहाँ पे ना तो गैस पाइप लाइन जो कुकिंग गैस की लाइन है वो आधी अधूरी रह गई है, उसको नहीं कर पाए लोग, वाटर निकासी नहीं कर पाए लोग, सीवर लाइन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं कर पाए लोग। ये लोग जितनी चीजें चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, एक परेड ग्राउंड का तहस तहस करके जो एक लंग्स का काम करते थे, जो चार्जिंग वाटर चार्जिंग का काम करता था, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड, उसका कत्ल करने के बाद ये सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना ली। आई डोंट नो किस तरह से ये लोगों को बेकू बनाते हैं। जहां तक पहाड़ों का सवाल है, मैं खुद जब कोटद्वार से अपने गांव मैं नहीं जा सकता इस समय, क्योंकि जब कोटद्वार में हम गए छतपुली की तरफ तो जो आम छोड़ में जो लाइन बराबर टूटती रहती है वहां केवल एक जेसीबी वाला है। रात भर खड़े होने के बाद सुबह 10 बजे तक जेसीबी वाला नहीं आया, तो अभी व्यवस्था देखते देखते रह गए, कह रहे थे कि साहब उसका घर नहीं मालूम था कहां सोता रह गया, क्योंकि एक ही जेसीबी वाला है जिसके भरोसे
पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। आज स्थिति यह है कि जहां पे बड़े पत्थर गिर जाते हैं सड़कों पे, उन सड़कों को उठाने के लिए भी जेसीबी हमारे पास नहीं है, बीआरओ से मांगनी पड़ती है स्पेशल जेसीबी। हमने उस समय भी छिंदवाड़ा में देखा था कि किस तरह से पूरे देश में हल्ला मचाया कि साहब छिंदवाड़ा का खुल नहीं रहा है, बड़ी आफत आ गई। तो थैंक गॉड वो जो आए थे माइनर्स, जो रेड माइनर्स ने जिस तरह से अपने हुनर से वो पूरा खोला और हमारी लाज रखी, उसकी लाज रखी जिसने ये ठेका पैसे डोनेट करके लिया था, इलेक्ट्रल बोर्ड के माध्यम से लिया था। ये लोग जिस तरह से वसूली गैंग बन चुका है, मैं धन्य करता हूं अपने मुख्यमंत्री को जो बेचारा दिल्ली वालों को भी खुश रख रहा है और यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है जल्दी खोल दो सड़कें। सड़कें कहाँ खुलेगी बाबा, तुम्हारे पास तो सड़कें खोलने के लिए नीचे आदमी तक नहीं, जेई के बाद एक जेसीबी वाला है तुम्हारे पास और वो भी गिने चुने जेसीबी वाले हैं तुम्हारे पास, तुम सड़क कहां से खोदोगे। तुम्हारी एक बहुत बड़ी लाइन चेन ऊपर तक जो बारीक नजर रखती है वो खड़ी है, बारीक नजर वाले पैनी नजर वाले खड़े हैं, लेकिन नीचे काम करने वाला व्यक्ति तुम्हें ढूंढ के भी मिलेगा। हमारी व्यवस्था पूरी तौर से तड़बड़ा गई है, मुंह के बल गिर गई है, लोग जंगली जानवरों से पीड़ित हैं, कहां बाघ खा रहा है, कहां हम लोगों का कोई माए बाप नहीं रहा। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे संसाधनों को लूटते हुए गुजरातियों के हाथ में हैंडओवर कर रही है। इवन आज आप सड़क में जाओ, इंद्रप्रस्थ में जाओ, जहां भी कॉलोनी में सड़क बन रही है वहां का ठेकेदार गुजराती ठेकेदार, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ का यही और जेई जो है वो भी बोल रहे हैं कि साहब हम इनको बाप के नौकर हैं, ये तो सीधा शिकायत कहीं और कर रहे हैं। जो ये कॉम्बिनेशन रहता था ठेकेदारों में जो डिपार्टमेंट CWD में, वो खत्म हो चुका है। इसलिए इनको नहीं पता लग रहा गुजराती ठेकेदारों को कि किस तरह से हम कहाँ पे नाली बनाएं, कहाँ पे क्या करें, क्योंकि जो फीडबैक मिलती थी डिपार्टमेंटल वो उनको नहीं मिल रही है। ये हकीकत है इस राज्य की, इस हकीकत है इस समाज की, और इसको हम नजरअंदाज करेंगे तो निश्चित रूप से हम राज्य विरोधी हैं। हम उन 42 आदतों के साथ धोखा कर रहे हैं जिन्होंने एक सपना देखकर इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपके पास अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, विपक्षी दल लगा लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं और स्मार्ट सिटी में समय समय पर आवाज जो है वो चाहे सरकार के ही लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो आवाज उठती रही है। अब जो स्थिति है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये सी हम लोग आपदा से स्मार्ट सिटी में घुस गए, शुरू डिबेट आपदा से हुई और अब हम स्मार्ट सिटी में पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी के काम से शायद ही कोई आदमी संतुष्ट होगा, क्योंकि देहरादून के लोगों ने वो जो दंश है अव्यवस्था का वो झेला है बहुत बुरी तरह। और ये सही बात है कि वाटर लॉकिंग हो रही है, पानी भर रहा है, गड्ढे हैं बहुत जगह, लेकिन उसका एक कारण है कि समय पर वो काम पूरे ना हो पाना और बारिश ने उसको और दूभर कर दिया चीजों को, और अभी भी कोई प्रगति दिखाई नहीं देती। जो चीजें पूरी होनी चाहिए थी बहुत पहले वो लगातार लिंगर ऑन होती गई और उससे बजट बढ़ता गया। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे किसने कह दिया कि वो स्मार्ट सिटी का काम खत्म हो गया है। मुझे लगता है आज भी वो काम कैरी ऑन है, चलायमान स्थिति में है, अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। और ये देखिए, ये बारिश पे तो किसी का असर नहीं हो सकता, कोई रोक नहीं सकता बारिश और आपदा को, लेकिन चीजों को सुधारा जा सकता है और वो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। और मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो प्लानिंग की गई उसमें तमाम लोग फेल हुए, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो या प्रशासन के नुमाइंदे हो या शासन के नुमाइंदे हो, उसका आंकलन सही नहीं कर पाए जिससे वो काम सही समय पे पूरा नहीं हो पाया। आज भी वो दंश हम झेल रहे हैं और देखिए ये तो करना पड़ेगा क्योंकि अब बारिश की इंटेंसिटी 29 के बाद कम हो जाएगी जो मौसम विभाग बता रहा है। अभी 29 तक बारिश बता रहा है और उसके बाद
शायद बारिश की वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो वो काम कराने पड़ेंगे। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने उसी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है सड़कों को ठीक करने की, गड्ढा मुक्त करने की जो भी है। और आपने सतपाल महाराज जी का भी बयान दिखाया क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो शायद वो भी मॉनिटरिंग करें। हालांकि बहुत समय से उनको कहीं क्षेत्रों में जाते हुए देखा नहीं किसी ने, लेकिन हो सकता है इस बहाने उनको भी मॉनिटरिंग का मौका मिले और वो जाएं और उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें जो उनके विभाग से जुड़ी हुई है। जी ऐसी बिल्कुल वापस आते हैं अरुण शर्मा जी, आरपी राठौड़ साहब जी का रुख कर लेते हैं। आरपी राठौड़ जी, अभी विपक्ष ये भी कह रहा लगातार कि आपके जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब दूसरे राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं, उत्तराखंड की दिशा दशा से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने कहा नहीं कि उनका काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टी के लोग जब कहीं चुनाव होता है तो इनको नहीं भेजा जाता? ये नहीं जाते हैं। जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से हर रोज, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी कश्मीर में जा रहे हो चाहे हरियाणा में, वो वर्चुअल बैठक लेके अधिकारियों की और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे मंत्री पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि बुद्धा चौक पे जरा मैं आमंत्रित करता हूँ। अरे आप चैनल पर, कम से कम नेशनल चैनल पर इतना झूठ मत कहिए। मैं सुबह ही गया, वहां कहाँ गड्ढा दिख रहा है इनको? अरे कम से कम जगह तो, ये एक बात आप कहें कि गड्ढा है, पर बुद्धा चौक पे कहाँ पर गड्ढा है देखा आपने? इतना झूठ परोसने की, मैंने अरे सुनिए आप, मैंने बीच में पढ़ लीजिए, आप भी छपा दो, लेकिन मैं तो आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, निवेदन कर रहा हूँ, चलिए आप जरा देखें। इतना झूठ ठीक नहीं है। ये आपके कार्यकाल में जब बरसात होती थी तो क्या आप पूरे देहरादून शहर के ऊपर छाता लगाती थी क्या? बरसात तब भी होती थी, जल भराव तब भी होता था। आज भी जल भराव नहीं है, बल्कि जब बारिश ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर कहीं बारिश का फ्लो होता है, लेकिन 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल कहीं पर ऐसा नहीं कि बारिश रुकी हुई आपको दिखाई देगा गड्ढा। लेकिन प्रयासरत है, बेहतरीन व्यवस्था, कभी पहले घंटाघर पर या सर्वे चौक पर आप पहले कभी गए हो इससे पहले तो कितनी नदी की तरह बहता था, लेकिन आज आराम से, इतनी दिक्कतें नहीं है। पानी बरसेगा, ऊपर से पानी बहेगा, अब वो सड़क नदी बन गई, नदी सड़क हो गई। अरे ये चुनाव पर भाषण नहीं है ना, यहाँ चुनाव हो रहे हैं। और जनता ने आपको जवाब दे दिया, जनता ने 2022 में दोबारा भाजपा की सरकार ला के उन पर भरोसा किया, आप पर भरोसा ही नहीं किया हो, आप कहते रहो चैनल पे, लेकिन जनता अगर आप पर भरोसा करती तो आपने 10 सालों में जो दिया होगा तभी तो जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। जनता ने भाजपा पर भरोसा किया और अभी 5 सांसद दिए तो ऐसे नहीं दिए, भाजपा पर वो विश्वास करते हैं और भाजपा जनता के साथ खड़ी रहती है। आपदा से उत्तराखंड का रिश्ता है क्योंकि यहाँ बरसात भी ज्यादा होती, लैंडस्लाइडिंग भी ज्यादा होती है। अभी आदरणीय थपलियाल साहब कह रहे थे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, 10 किलोमीटर पर एक जेसीबी रहती है, ऐसा झूठ कह करके इन चैनलों का, ऐसे नहीं है। मंजू त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, ये काम करते हैं, ठीक है मंजू जी जवाब दीजिए, रुकिएगा आर राठौड़ साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, चार धाम यात्रा, राठौड़ साहब एक मिनट जवाब ले लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं, रुकिएगा मंजू त्रिपाठी जी। देखिए भाजपा के प्रवक्ताओं में भी सिर्फ अहंकार झलकता है, करंट वर्तमान मुद्दों पे तो वो बात ही नहीं करना चाहते, उनकी आंख में लग रहा है कि पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई पूर्ण रूप से डबल इंजन की सरकार फेल है, सरकार शासन प्रशासन सब के सब फेल हो चुके हैं, किस तरह से हालात है, मतलब ये कॉलोनी में बच्ची बह जाएगी वो भी नहीं इन्होंने पढ़ा होगा ना देखा होगा, तो हर
चीज की चैलेंज चैनल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी किसी को भी झूठा साबित कर दोगे। अखबार झूठा हो गया, लोग झूठे हो गए, ये चार जो विपक्ष में लोग बैठे ये सब झूठे हो गए, खाली आप सच है। शहर में सिर्फ आप रहते हैं, शहर में खाली बड़े बड़े आपके बीच में मैं नहीं बोली हूँ भाई साहब, आप मुझसे बहुत बड़े, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोली, प्लीज मर्यादा कायम करिए। और बड़े बड़े खाली जो इन्वेस्टर स्मार्ट सिटी के नाम पे भगवान रंग की पट्टियां लगा के पूरे शहर में लगा देने से नहीं हो जाएंगे। आप धरातल को तो उतरिए, धरातल को तो देखिए कि हालात क्या है, जो है सब लोग कह रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, समाज में जाइए, शहर में बोलते हैं ना बाबा ना हमें अपना पुराना देहरादून लौटा दो, ऐसा स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए। जनता त्रस्त हो गई है उपचुनाव में, उसने उसका जवाब दिया भी तो यही नहीं, हर जगह कानून व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है, कॉलेज सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस चौकी भी अब सुरक्षित नहीं रही। भुवनेश्वर की घटना है, आप लोगों का जरूरत है कि एक सैनिक और उसकी मंगेतर के साथ क्या किया है पुलिस वालों ने। ठीक है, रुकेगा मंजू त्रिपाठी जी, होल्ड ऑन आरबी रतुड़ी साहब, अभी 70 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं, एक सेकंड रुकिए मंजू त्रिपाठी जी, 70 से अधिक सड़कें अवरुद्ध छोड़ रही हैं, जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, अभी हाल ही में हमने जो अभी इंसिडेंट देखा, और सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष जो कह रहा है वो सीधे तौर पर यही कह रहा है कि आप चुनाव में व्यस्त हैं, यहाँ पर रास्ते अवरुद्ध हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, कई लोग जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या, धरातल पर कितनी मदद आप पहुंचा पा रहे हैं? देखिए मैंने कहा नहीं कि हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और आपने उसका सीधा देखा होगा केदारनाथ यात्रा किस तरह से सफलता पूर्वक चल रही है, बद्रीनाथ यात्रा, हमारे जेसीबी, हमारे जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो तैनात हैं, दिन रात तैनात हैं, और जिससे आपने बेहतरीन व्यवस्था में, आम आदमी कहकर के जाता है कि इस बार यात्रा बहुत सफल रही है, बहुत सुचारू रही है, जो कहीं ना कहीं क्योंकि लैंडस्लाइडिंग ये तो किसी कार्यकाल में बादल फटना, ये कोई कार्यकाल हो किसी भी सरकार हो इसको रोका नहीं जा सकता। रतुड़ी साहब, चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे बात बताइए, मैं बहुत ज्यादा डीपली बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो धरातल से खबरें आ रही हैं वो झूठी तो नहीं है? ठीक है, आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस राजनीतिक चश्मे से आप देख रहे हैं आपको विकास नजर नहीं आएगा, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही हूँ, मुझे सच दिखाई पड़ता है तो मैं बोलूंगी, अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो भी आई विल अप्रिशिएट, अगर आप बुरा काम करेंगे तो फिर आई विल ऑब्वियसली कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, तो ये उतना ही ऑब्वियस है कि मैं राजनीतिक चश्मे से चूंकि देख नहीं रही हूं तो मुझे धरातल पर चीजें दिखाई पड़ रही हैं, अगर आप बेहतर काम करते हैं तो वो भी नजर आ रहा है, और अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो वो भी नजर आ रहा है, और ये खबरें झूठी नहीं है। आप भी जानती हैं, आपने प्रश्न कर दिया, ये तो आप जानती हैं कि अगर बादल फटेगा तो लैंडस्लाइडिंग भी आएगा और पानी भी बहेगा, सड़कें भी टूटेंगी, उसका तत्काल हमारी जो टीम है वो वहाँ आपदा प्रबंधन की SDRF NDRF तैयार रहती है, सतर्क रहती है और तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। ये नहीं है कि आपने आज दिखा दिया कि ये लैंडस्लाइडिंग हो गया, उसके जाएगी रतुड़ी साहब, इसीलिए मैं स्मार्ट सिटी पर आई थी, मैं आपदा को लेकर, क्योंकि मुझे पता था जवाब यही मिलना है कि भाई बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, मौके पर पहुंचकर चीजों को बेहतर कर सकते हैं, और वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए मैं स्मार्ट सिटी पर आई थी। भैया देहरादून में कहां बादल फट गया, देहरादून में कहां पे आप बताइए ना लैंडस्लाइड देहरादून में हुई, वहां की सड़कें गड्ढों में क्यों तब्दील हो रही है, वहां पर विकास क्यों नहीं हो रहा, वहां पर लोगों को समस्याएं क्यों हो रही हैं? अभी वरिष्ठ पत्रकार भी इसी बात की बात कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आप कोई काम नहीं कर रहे, स्मार्ट सिटी के नाम पर धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, और आपको अभी मंजू त्रिपाठी जी ने एक अच्छी खासी लिस्ट बताई तो आप मुकर रहे हैं। मैं नहीं जान सकता, पर आप देहरादून शहर को घूम लो तो आपको दिखाई देगा, कहा नहीं दिख रहा, जिनको नहीं दिख रहा वो तो राजनीतिक चश्मे का, जिनको नहीं दिख रहा है वो चश्मा लगा कर बैठे हैं, जिनको दिख रहा है वो सॉरी जिनको नहीं दिख रहा है घूम रहे हो।
चश्मा भाजपा पहनती है, कांग्रेस नहीं पहनती है। तभी तो नहीं दिख रहा ना। थपलिया जी, तभी तो बयां कर रहे हैं, सच्चाई को बयां कर रहे हैं। थपलिया जी वही। ठीक है मंजू जी, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। थपलिया जी, सरकार रही चैनल क्या चमाचम थी, चैनल के पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो झूठों को मॉनिटर कर पाए। अगर इस राज्य में हर 10 किलोमीटर पर जेसीबी हो तो भगवान बद्रीनाथ का तो फिर आशीर्वाद है। मेरे आज हमारे अभी अगर जितने की शर्त रखो मैं तैयार हूँ, अभी चैनल दिखाऊंगा आपको। अगर श्रीनगर से अरे अरे कोटद्वार से बात कर रहा हूँ, कोटद्वार से श्रीनगर तक का देखो 10-10 किलोमीटर में जेसीबी है। मेरी सड़क 20 दिन से नहीं खुली गाँव की, आपको पता है बकवास करते हैं यहाँ पे। मतलब ये मर्यादा में अरे मर्यादा में तुम तीन का चश्मा क्यों बोल रहे हो, तीन का चश्मा पहन के आ रखे हो। अरे तुम गरीबों में झूठ बोलते रहोगे, अरे आप इतने सीनियर हो, अरे तुम तीन का चश्मा पहना रहे हो हमको हर बार बार। अरे अरे तीन का चश्मा झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला बकवास करता है, झूठ बोलने वाला जो बोल रहा है सीनियर आदमी। अरे सीनियर आदमी तुम ये देखो, अभी फोन करना पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को और फिर बताना इस चैनल को, मैं रिकॉर्ड करके लाऊंगा उसका रिकॉर्ड कि कहां का तुम्हारी 10 किलोमीटर की भाषा का प्रयोग ठीक करो। अरे झूठ क्यों बोलते हो, हमें झूठा ठहराते हो, वो क्या मर्यादा बोल रहा है। अरे तुम्हारी ये मर्यादा है क्या, मैं झूठा बोलूं चैनल के सामने, चले मेरे साथ 10 किलोमीटर में दिखाऊंगा 10 किलोमीटर तुम्हारी। तो मैं अभी जो खजूरी के ओएसडी थे वो मेरे साथ थे, वो विटनेस है। आ जाओ जेपी मंगे के घर में, जब एक बोर्डर गिरा कोई जेसीबी नहीं थी तुम्हारे पास। मर्यादा में रहना क्या, अरे मर्यादा में झूठे। अरे पीसी तपलियाल जी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप प्लीज शब्दों का चयन ठीक किया करिए, गलत बात है ये तपलियाल जी, बहुत गलत बात है ये। हम कुछ नहीं कर सकते। अरुण शर्मा जी झूठ मत, ठीक है रुक रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अरुण शर्मा जी, ये कौन सा राजनीतिक चश्मा है, या ये कौन सा चश्मा है जो रतुड़ी साहब के पास है और उनको सब विकास दिख रहा है और हमें नहीं दिख पा रहा। पैनी नजर इनके मुख्यमंत्री से लेकर नीचे जेई तक, ठीक है तपलिया जी रुक जाइए। अरुण शर्मा जी उनके काम करने वाले 10-10 किलोमीटर पे जेई, दोनों लोगों को म्यूट करिए पहले तो। अरुण शर्मा जी आप अधिकारी रहे। अरुण शर्मा जी मांग दे क्या भाषा का प्रयोग कर, पीसी तपलिया जी और आरपी रतुड़ी जी को म्यूट करिए। अरुण शर्मा जी सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं चश्मे की, ये कौन सा चश्मा है जो बीजेपी वालों के पास है हमारे पास नहीं है। ये ऐसी राजनीति के लिए केवल विरोध करना मुझे लगता है उचित नहीं है। अगर कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जो काम होना था वो नहीं हुआ उसकी क्रिटिसाइज होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए निश्चित तौर पर। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि स्मार्ट सिटी के अंदर दून लाइब्रेरी बनी है, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वहां कोई ना कोई साहित्यिक या सांस्कृतिक गतिविधि ना होती, तमाम बड़े नाम वहां पहुंचते हैं और कोई ना कोई इवेंट होता है, और उसकी वजह से इस शहर का नाम भी हो रहा है, और जो इस शहर के साहित्यिक लोग हैं सांस्कृतिक कर्मी है उन्हें एक मंच भी मिल रहा है। तो कुछ चीजें अच्छी है वो दिखनी चाहिए, परेड ग्राउंड पहले से ज्यादा सुंदर हुआ है वो दिखना चाहिए, वो दिख रहा है, और उसके अलावा कई चौक चौराहे पहले से सुंदर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया, हमें भी तकलीफ होती है जब हम उन टूटी सड़कों से गुजरते हैं गड्ढों से गुजरते हैं, तो निश्चित तौर पर तकलीफ सबको होती है, वो आम हो या खास हो, वो सबके लिए सड़कें बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो खास लोग होंगे उनकी गाड़ियों में कुछ दूसरे कंपनी के शॉकर होंगे कि उन्हें झटका नहीं लगेगा। इस तरीके की खबरें आना और उसके बाद उसको सिरे से डिनाई कर देना, ये कैसा न्याय की बात हुई? आप सिरे से डिनाई कैसे कर देते हैं आप? जैसे भी बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं कहां ऐसा हुआ, कहां ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, जहां है वहां बोलना चाहिए, लेकिन जहां नहीं है
उसकी आलोचना अनावश्यक नहीं करनी चाहिए, मुझे ये लगता है। मैंने भी बोला कि हमें तकलीफ होती है जब पानी भरता है, जब गड्ढों में गाड़ी के टायर जाते हैं, जब सड़क पार करने से वो जो स्कूल छूटते हैं उसके बाद बच्चे सड़क पार करने को तरस जाते हैं, तो तकलीफ सबको होती है। जहां है उसको खुल के बोलना चाहिए और जहां नहीं है निश्चित तौर पर उसकी जबरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। जी अस्सी ठीक है थपलिया जी। अनम्यूट कीजिएगा। जब कुछ साल पहले जब राज्य नहीं बना था, हम लोगों के पास गांधी पार्क होता था। गांधी पार्क में चबूतरा होता था, वहां पे हम आपस में मीटिंग करके जन समस्याओं के बारे में चर्चा करते थे। उसके बाद टाउन हॉल होता था जो मात्र 500 रुपए में मिलता था, आज इस सरकार ने 15,000 रुपए उसका किराया कर दिया। आज दून लाइब्रेरी भले सुंदर बन गई हो लेकिन उसमें कितना देना पड़ता है ये कोई नहीं बताएगा। आज इन्होंने सब कुछ जो गरीब लोगों के लिए सब कुछ दूर कर दिया। यहाँ कितने पब्लिक, लगभग 40% लोग इस शहर में ऐसे हैं जो परेड ग्राउंड की छांव में सोते थे, गांधी पार्क में सोते थे, उनके पास घर बार नहीं थे। उन गरीबों का ऐसा ना इस भाजपा ने छीन दिया है। आज उनके लिए घर में भी कई बिजली पानी का इतना महंगी बिजली कर दी कि पंखे नहीं है। तो जो सुकून से गरीब रहता था इस शहर में और एक कोई भी जनरल पब्लिक का आदमी रहता था, इन्होंने अमीरों का आज परेड ग्राउंड की प्रशंसा करने वालों को मालूम होगा कि आज परेड ग्राउंड का किराया कितना है, शायद वो नहीं बता पाएंगे। पहले हम यहाँ पे, मैंने जब अन्ना की रैली की थी परेड ग्राउंड में, मुझे पूरा परेड ग्राउंड 10,000 रुपए में मिला था। आज परेड ग्राउंड के लिए कहाँ जाना पड़ता है ये अभी किसी को नहीं मालूम है। यहाँ पे हम जो लोग सफर कर रहे हैं आज, हमें कहाँ भेज दिया आपको, देखो धरना रखने के लिए गड्ढे में भेज दिया है। वहां वो नाला है उसमें मच्छर हैं कितने, किस तरह से वहां पे हम धरना दे रहे हैं जो 600 धारा के उस गड्ढे में, इनको नहीं मालूम। यहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ये अमीरों के वो हैं और इन अमीरों के लोगों ने इस राज्य का भट्टा बिठा दिया। मेरी दुकानें तोड़ दी वहां गुमखाल में, पोखरा में, चौपता में, और वहां बन रहा है हयात होटल। हयात होटल को जमीन दे दी, मेरे सारा गांव में पूरा सोलर प्लेट लगा दी, वो कोई नहीं देखेगा। ये जो आज की तारीख में मजबूरी है लोगों का, पापी पेट का सवाल है, उनको बड़ी तरह इस सरकार की, जो सरकार हमारा खून पी पी के खतरा नाटक नहीं देखा अभी सेंट जोसेफ स्कूल में क्या हुआ है, किस तरह से आज, किस तरह से वहां पे जो हुआ है हम जानते। ठीक है, हम तपलिया जी, देखिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को और बेहतर करेगी, जो आवागमन बाधित हुआ है उसे बेहतर तरीके से करेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी को लेकर, जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर नजर नहीं आ रहे, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।